प्रथमतः भिवंडीमध्ये एक लीग स्वरूपामध्ये आपण ग्रामीण क्रिकेट खेळताना पाहतोय, म्हणजे हारल्यानंतरही पुन्हा संधी इथे मिळेल आणि यानंतर तो सामना देखील आपण पाहणार आहोत. पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत झालेला संघ जॉली स्पोर्ट कामतगर आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये पराभूत झालेला संघ सोनादेवी टेमगर त्यामध्ये यापुढची लढत असणार आहे. यस, महेंद्र पाटील साहब फिल्डिंग कर रहे, एकता कमेटी उनका विशेष आभार करती है क्योंकि हमेशा महेंद्र पाटील ने हम लोगों का साथ दिया है, हालांकि वो फाइनल में भी हमारे साथ रहेंगे. हमारे बीच टक्कू जैन साहब आए, आपका हार्दिक स्वागत है. चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है. निवेदन है आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. खेल की शुरुआत होने जा रही है. गेंदबाजी के लिए ट्रम्प कार्ड गेंदबाज ऋषभ काटे और बल्लेबाजी में वन ऑफ द कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन इन तालुका क्रिकेट तुषार शिल्के. ये वो खिलाड़ी है जो गेंद के मेरिट पे बल्लेबाजी करता है. सागर पाटिल, अगर दो साल पीछे हम जाते हैं तो सागर पाटिल वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म प्लेयर. एक चांगली जुगलबंदी बघायला मिळेल, कारण गोलंदाजीमध्ये ऋषभ आणि समोर तुषार, एक तंत्रशुद्ध खेल, उच्च दर्जाचा खेल पहिल्या षटकामध्ये नक्की बघायला मिळेल प्रेक्षकांना. प्रिंस मोरिस के टेक्निशियन आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर मॉनिटर शुरू करना है. खेल की शुरुआत होती भी पहली गेंद बहुत ही दिलकश ड्राइव, क्या शॉट खेला है, इसे कहते हैं जाजिबुल नजर स्ट्रोक. बिल्कुल आंखों के नीचे खेलते हुए तुषार शिल्के एक रन से खाता खुला. तुषार का खाता खुला दूषण शिल्के फैम टीम शिल्के ब्रदर्स का. क्लासिकल ड्राइव होता, अगदी बरोबर बॉलच्या मेरिटवर हा स्ट्रोक बघायला मिळाला आणि तुषार शेलके ऑफ द मार्क, पहिल्याच बॉलवर सिंगल त्यांनी कंप्लीट केली. इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश और ये देखिए, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को. लेग बाय पहिलाच बॉल आणि तोही ऋषभच्या अगेन्स्ट रिवर्स खेळण्याचा पवित्र आपल्याला बघायला मिळाला. फलंदाज सागरचा एक धाव तिथे मिळाली, मात्र बॅटवर प्रॉपर चेंडू घेता आला नव्हता तिथे. आफ्टरनून सेशन आणि दुपारच्या सत्रामध्ये हळूहळू आता प्रेक्षकांची गर्दी बघायला मिळाली आहे. ऋषभ काटे, ओ अंदर आती भी गेंद थी, बॅकफुट पे गे, जेंटल पुश, सॉफ्ट हँड पुश, कवर्स में एक रन. जणू काय टेस्ट क्रिकेटरचा अंदाज बघायला मिळाला, ज्याप्रमाणे पुश केलं होतं सिंगलच्या सायन स्कोर 3 वर. हमारे बीच चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब का आगमन हुआ है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. ऋषभ काटे इस मरतबा फिर से गेंद को खेला है, गैप में एक रन बना, दूसरे की कॉल है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे होते हुए. चैलेंज के बारे में कहा जाता है नाम ही काफ़ी है, और चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब जिनका हमेशा एकता कमेटी के लिए हमेशा सहयोग रहा है, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत है. स्कोर है 5 रन, कोई विकेट नहीं. जड़ में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव, पैरों से रोकने की कोशिश. ओ माई गॉड, ये दोनों खिलाड़ी कितनी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, रन के लिए हिरन बन गए. नाराज है वहां पे करण पाटिल, जिस तरह रन आ रहे, रन और धन ये संभाल के खर्च करना चाहिए. दुसऱ्यांदा बघायला मिळालं या ठिकाणी डबल रन पूर्ण केले, फार मोठं चॅलेंज असतं की चॅलेंज ग्राउंडवर डबल रन पूर्ण करणं. यस, क्योंकि रन आप रन खर्च करेंगे तो कंगाल बन जाएंगे, धन खर्च करेंगे तो बेहाल बन जाएंगे. धावसंख्या 7 वर आहे धावफलकावरती. सो थोडासा संयमी खेळ करण्याचा प्रयत्न ऋषभच्या अगेन्स्ट पाहायला मिळाला. ऋषभ काटे इस मरतबा लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पे महेंद्र पाटिल, एक रन आता हुआ स्कोर में. कीमती खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा है महेंद्र पाटिल.
मुनीस तरे थे, सॉरी, ये भी तो कमाल के खिलाड़ी हैं। एक ओवर की समाप्ति पे रन बने 8 और बिना किसी विकेट के। कैलक्युलेशन माइंड मध्ये सुरू आहे की टोटली आपण ऋषभच्या ज्या 2 ओवर्स आहेत त्याच्यामध्ये थोडासा संयमी खेळ करायचा आहे आणि ज्या 3 ओवर्स असतील आहेत त्याच्यावरती आक्रमण करायचा, हा टोटली माइंडसेट फलंदाजांचा आपल्याला बघायला मिळाला आहे। ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकामध्ये थोडासा बचावात्मक क्रिकेट बघायला मिळाला, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 9 फॉर नो विकेट, 8 रन, 8 धावा फलकावरती आहेत, 8 फॉर नो विकेट। देखिए, खराब टोटल भी नहीं और अच्छा भी नहीं, पिछले मैचेस जो देख रहे हैं हम अंडर 60, वन ऑफ द मैजिक टोटल। अक्षय पाटील दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी बार्कवर येतोय, लेफ्ट आर्म बॉलर आहे। मागच्या सामन्यामध्ये अक्षयनं चांगली गोलंदाजी केली होती थेमगरच्या विरोधात, त्याच्यावर विश्वास दाखवलाय कॅप्टननं। समोर सागर पाटील, मागच्या सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात सागर पाटीलला मिळाली जरूर, मात्र तो मोठा डाव साकारू शकला नव्हता आपल्या संघासाठी, मात्र यावेळेला आता तो वेल सेट आहे। इथून मोठ्या इनिंगची त्याच्याकडनं अपेक्षा आहे, चांगली भागीदारी बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासूनच। आणि आपण अनेकदा बघितलं इनिशियल ओव्हर्सना जो संघ चांगली स्टार्ट देतो तो संघ पुढे त्या मॅचमध्ये वर चढताना दिसतो, मात्र यावेळेला सुरुवात दोन्ही संघांची चांगली। अक्षय राऊंड विकेट, पहिलाच बॉल, व्हॉट अ शॉट, वेल सेट बॅटर सागर पाटील मैदानामध्ये आहे आणि त्यांना आता आक्रमणाला सुरुवात केली आहे। सिक्सर आलाय, कमाल का शॉट, पिकअप स्ट्रोक केलाय, वहां पर गेंद बल्ले से निकली तो उस पे मोहर थी 6 रनों की। ये देखिए पिकअप शॉट विद द टाइट स्वंग ऑन द ऑन साइड, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड द स्ट्रोक, ट्रेमेंडस टाइमिंग फ्रॉम सागर पाटील। अगदी प्लॅनिंग नुसार सध्या भावे सर क्रिकेट सुरू आहे, आपण पाहतोय ऋषभच्या अगेन्स्ट थोडासा बचावात्मक खेळ करायचा आणि उर्वरित जी 3 षटकं आहेत त्यावरती आक्रमण करायचं आणि तसंच पाहायला मिळालं। अक्षय पाटीलच्या पहिल्याच बॉलवर सिक्सर पाहायला मिळाला, म्हणजे क्रिकेट हा खेळ तुमच्या शक्तीप्रमाणे युक्तीचाही आहे, नेहमी तुमच्या माइंडमध्ये खेळ सुरू राहणं गरजेचं, कॅल्क्युलेशन क्रिकेट तुमच्या माध्यमातून नेहमी होणं गरजेचं यशस्वी होण्यासाठी। स्विच हिट रिव्हर्स पॉइंटच्या बाजूने अगदी बॉलला पाठवल्या सीमा पार, आणखी एक चौकार येतोय, गुड बॅटिंग। देखिए सागर पाटील सही समय पे फॉर्म में आ गए हैं और ये खिलाड़ी जब फॉर्म में खेलता है तो फिर गजब का खेलता है। इथून आता दबाव अक्षय पाटीलवर आता बघायला मिळेल, कारण पहिल्या 2 बॉलवर 10 रन्स त्यांना खर्च केलेत, काय बॅटिंग पाहायला मिळाली हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये। स्क्वेअर ऑफ द विकेट जास्तीत जास्त रन्स इथे बनत असतात आणि यावेळेला आपण पाहिला या अगोदरचा स्ट्रोक स्क्वेअर लेगच्या बाहेर आणि हा स्विच हिटचा फटका पॉइंटच्या बाहेर। धावसंख्या वेगाने पुढे सरकली 18 चांगली सुरुवात। चर्चा आपण टीच करतोय की अर्ली ब्रेक थ्रूची गरज आहे, भागीदारी ब्रेक करावी लागेल धावा थांबवण्यासाठी। इथे चांगला बॉल यॉर्कर लेन डिफेन्स केला, ओव्हर थ्रो झाला आणि इथे आता एक धाव मिळेल, ओव्हर थ्रो स्वरूपामध्ये ही धाव पूर्ण झाली आहे। बघा भागम भाग, खराब क्रिकेट साईश कारबावचा आणि 2 धावा तिथे खर्च केल्यात ओव्हरथ्रो स्वरूपामध्ये धावसंख्या 20। ये तो ऐसे मानो किसी चौक से कोई हाथ से छीन के कोई चीज भाग रहा हो, इस तरह से रन भागे जा रहे, छीन के लिए जा रहे। ना अक्षयला नाराज होऊन चालणार नाही, कारण चुकी त्यानंच केली त्या ठिकाणी, सुरुवातीला ओव्हरथ्रो त्याचा पाहायला मिळाला आणि तिथून 2 रन्स तिथे कंप्लीट झाल्या। शेलके ब्रदर्स पोगाव संघ चांगल्या स्थितीमध्ये, स्वप्नवत सुरुवात आपण म्हणू शकतो जी सुरुवात अपेक्षित होते आणि विशेष म्हणजे एकही फलंदाज बाद झालेला नाहीये, त्यामुळे आता बॅटर आत्मविश्वासाने खेळ करताना दिसत आहेत। क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्याच दिशेने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होता, फक्त एक्स्ट्रा कव्हरला बीट करायचं होतं, मात्र प्रॉपर टायमिंग झालं नाही। बॅटच्या आउटसाईड एज घेत असताना बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल ट्रॅव्हल झाला, एकच धाव तिथे मिळाली आहे। हळूहळू आता धावफलक हलतं ठेवण्याचं काम केलं जातं आणि जेव्हा खराब चेंडू येईल त्यावर मोठा फटका येतोय, म्हणजे अगदी बरोबर जो प्लॅनिंग केलेला आहे त्या प्लॅनिंगनुसार गेम सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये। धावसंख्या धावफलकावरती 21-21, दोन्ही संघांसाठी एक महत्त्वपूर्ण लढत, कारण जो जिंकणार तो क्वार्टर फायनलमध्ये पोहोचणार आहे। काल आपण पाहिलं दीपकदादा प्रतिष्ठान गोरसे बी संघ अंतिम 4 मध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरला,
एकता सुपर लीग 2023 च्या 21 धावा धावफलकावरती आहेत, चांगली भागीदारी। रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न होतो, अपील त्या ठिकाणी झाली जरूर, डॉट बॉल आलाय, असे डॉट चेंडू टाकून कुठेतरी फलंदाजांना फ्रस्ट्रेट करावं लागेल आणि तिथून एखादी विकेट मिळवावी लागेल। देखिए छिलके बर्दस के पास बॉलिंग भी अच्छी है, इस बात का पता है साइंस खारवाव को। यहाँ पर उन्हें इस बात का भी पता है कि यूज टोटल को चेस करना उस बॉलिंग पे संभव नहीं है। पुन्हा रिवर्सचा प्रयत्न, बॅक टू बॅक दुसऱ्यांदा असं घडलंय, सक्सेसफुल होत नाहीये। काल आपण अल्ताफ शेखचा असा खेल पाहिला, एका मॅचमध्ये पाचवेला रिवर्स अटेम्प्ट केला, एकाही वेळेला त्याला यश मिळालं नव्हतं। इथे सलगचे दोन डॉट, दोन षटकांचा खेळ संपला आणि धावसंख्या धावफलकावरती 21। अल्ताफ शेख और शादाब शेख ये दो वो कॅरेक्टर हैं टेनिस क्रिकेट के, जो रिवर्स शॉट नहीं खेले तो रात भर सोते नहीं। आइए हमारे बीच चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब हैं, एकता सुपर लीग में हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं अजीम हमदुल्ले के हाथों से। ये देखिए शॉल पुष्प कुछ उनको दिया जा रहा है, आपका सहयोग इसी तरह रहेगा, लेजेंड ऑफ भिवंडी का सहयोग हमेशा हमारे साथ इसी तरह रहेगा, यही अपेक्षा है। थैंक यू सो मच, आपने स्वीकार किया। हमारे बीच में टकू जैन है 3-1। इससे पहले कि खेल शुरू हो हम टकू जैन का सत्कार सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। अंपायर जब तक आपको खेल रोकना है, ऑनफील्ड अंपायर, ये टकू जैन 3-1 हमेशा साथ देते हैं। अजीम हमदुल्ले उन्हें प्रेम भरी ये शॉल और ये पुष्पगुच्छ देके उनका सत्कार कर रहे हैं। बैक टू क्रिकेट, तीसरे ओवर के लिए ऋषभ काटे को कंटिन्यू रखा है। जड़ में गेंती ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, फील्डर मौजूद है मिड विकेट पर, 1 रन। छिलके बर्दस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 बिना किसी विकेट के। अक्षयच्या विरोधात सुरुवात चांगली मिळाली होती, मात्र अक्षयनं षटकाचा अंत चांगला केला। ऋषभ काटे ओ बढ़िया गेंद, इनको काटना बहुत मुश्किल है, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर। रफ्तार वेग भन्नाट है ऋषभ कड़े। अर्श अजीम हमदुल्ले हमसे जुड़ चुके हैं, अर्श आपसे रिक्वेस्ट है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। काटे की गेंद एज एंड गॉन, इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका, विकेट कीपर के हाथों से गेंद उछली, मोनिस तरे तैयार थे शॉर्ट फाइन लेग पे, कोई गलती नहीं की, आउट हो गए बैट्समैन। म्हणजे नियतीला मंजूरच होतं की तुषारची विकेट या चेंडूवरती यावी, कारण विकेट कीपर कडे मिस्टेक झाली होती, मात्र फाइन लेगच्या फिल्डरनं चुकी केली नाही। पाहूया आपण रिप्ले मध्ये, मोनिशनं जबरदस्त कॅच पकडली त्या ठिकाणी, सलग 3 चेंडू डॉट आले होते आणि असं वाटलंच होतं की आता तुषारची विकेट मिळू शकते, ज्याप्रमाणे तो फ्रस्ट्रेट झाला होता। धावसंख्या धावफलकावरती 22 असताना हा पहिला धक्का लागलाय, भागीदारी चांगली होत होती, मात्र अखेर अक्षयने शेवटचे 2 चेंडू डॉट टाकले, तिथून ऋषभ त्याच पावलांवरती पाऊल ठेवून ते सातत्य टिकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसला, त्याला इथे सफलता मिळाली। विकेट टेकर गोलंदाज आहे, पहिल्या षटकामध्ये त्याला विकेट मिळाली नव्हती, मात्र या ओव्हरमध्ये त्याला विकेट मिळाली आहे। कॅप्टन खुश असेल साईश खारबाव संघाचा, कारण ज्याप्रमाणे फिल्डिंग करण्याचा त्याने निर्णय स्वीकारला, आपण 8 मॅचेस पाहिल्या, चेसिंग करणं थोडंसं कठीण राहिलं आणि अशा परिस्थितीमध्ये कंट्रोल गोलंदाजाने दाखवलं, विश्वासाला सार्थकी ठरणारी गोलंदाजी बघायला मिळाली आहे। ऋषभ काटे इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है, मोनिस तरे मानो दीवार बने हुए खड़े हैं शॉर्ट फाइन लेग पे, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 23 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। तुषार छिलके पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए। ऋषभ काटे इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में, जाना चाहते थे
साउथ लेकिन पहुंच गए नॉर्थ में। स्कोर दो रन से एक दो रन से आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है। अच्छी बोलिंग कर रहे हैं इस ओवर में ऋषभ काटे। हो म्हणूनच फुटवर्क फार महत्त्वाचं असतं बॅटिंग करत असताना। काटे ओ तेज तर्रार गेंद लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती भी वाइड। 26 पे पहुंचा है स्कोर एक विकेट गंवाने के बाद। 26 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट। वी आर इन थर्ड ओवर। एकता सुपर लीग में आप सभी का सुपर इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है इस लीग के चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश पाटिल की तरफ से। जड़ में गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल आंखों के नीचे कारपेट के जरिए डीप कवर में एक रन। तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 27 विकेट गिरा है एक। अब देखना है कि चौथे ओवर में ऋषभ काटे का कोटा पूरा हो चुका है। थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर मध्ये ही बदल बघायला मिळाला। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं एक चांगला गेम सुदर्शन शेल्केनं दाखवलं होतं बॅटिंग करत असताना, मात्र त्याला इथे थांबवलं गेलं। हा एक थोडासा आश्चर्यचकित करणारा निर्णय होता। त्रिमूर्तीला वर आणलं, दोन षटकांच्या स्पेलमध्ये 13 धावा खर्च केले आणि एका फलंदाजाला बाद केलं। एक चांगला स्पेल आपण म्हणू शकतो एका महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये ऋषभ काटेचा। अगली दो टीमों को टू स्टार टॉस बॉक्स वीरेन चोरगे और विराज चोरगे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें सोना देवी टेमगर और जॉली स्पोर्ट कामतकर, नरेश मात्रे फैम टीम और रोहित चौधरी फैम टीम। तीन ओवर में 27। आई थिंक शिल्के ब्रदर्स लुकिंग फ्रॉम हियर नियरेस्ट 50। हो आणि तो प्रयत्न करावाच लागेल या ठिकाणी 50 पर्यंत पोहोचण्याचा, कारण बॉलिंग युनिट फार चांगला आहे आणि जशा 50 धावा स्कोरबोर्डवरती लागतील मी म्हणेल शेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाकडे एक चांगलं बॉलिंग युनिट आहे। चारहीच्या चारही वेगवान गोलंदाज आहेत त्या संघाकडे, त्यामुळे 50 ते चांगली फाईटबॅक इथे देऊ शकतात। चौथ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर नितेश ज्यानं चांगलं षटक आतलं होतं। निर्णायक क्षणाला सोनादेवी टीम घरच्या विरोधात आणि तीही प्रमुख जोडी मैदानामध्ये असताना श्याम आणि यशला त्यांना रोखलं होतं आणि तोच गोलंदाज चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवर येतोय नितेश पाटील। सागर आता वेळ सेट आहे मैदानावर। आपण जर विचार केला तर सागरनं 11 चेंडूंचा सामना केला आणि 22 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात, त्यामध्ये एक सिक्सर आणि एक चौकाराचा समावेश आहे। त्याच्याकडनं आता भरपूर अपेक्षा असतील कारण एक वेल सेट बॅटर मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षण एक बॅकवर्ड पॉइंटला, सर्कलमध्ये फिल्डर, त्यानंतर एक फ्लाय स्लीपला मोनिश आणि एक शॉर्ट फाईन लेग इनसाइड द रिंग नितेश फॉर द विकेट। फुल टॉस बॉल आहे, मिस टायमिंग, काउस कॉर्नरला बॉल क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, फलंदाज बाद होतोय। बिग विकेट, बिग ब्लो, सागर पाटील आउट। देखिए आंखें जमने के बाद जब बैट्समैन आउट होता है तो ये जताता है कि वो गलती कर बैठा है जो माफी के काबिल नहीं, लेकिन क्रिकेट है, इसमें विकेटें भी गिरेंगी, इसमें शॉट भी आएंगे, इसमें सब कुछ होता रहेगा। कोई टीम अगर 10 पे भी ऑल आउट हो जाए तो क्रिकेट की जो शोभा है, उसकी जीनत है, उसकी खूबसूरती है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर आप साहिर लुधियानवी की गज़ल को सुनहरे वर्क की जगह पथरीली जमी पे लिख दे तो उसके मानी तो नहीं बदलेंगे। न्यू बैटर कल्पेश मैदान में एंटर होते ना। आज बरेचसे बदल बॅटिंग मध्ये बघायला मिळाले। खर तर पाठीराखी विचार करत असतील की सुदर्शन जो चांगल्या टच मध्ये आहे तो खेळाडू बॅटिंग करण्यासाठी अजूनही का आलेला नाहीये। नितेश पाटील पहिल्याच बॉलवर सफलता मिळाली, खर तर विकेट टेकर तो चेंडू नव्हता, फुल टॉस बॉल होता, मात्र क्षेत्र चुकीचं निवडलं। तो चेंडू कदाचित स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला असता किंवा मिड विकेटला जरी क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला असता तरी इझिली सिक्सर होऊ शकला असता या ठिकाणी, मात्र जर आणि तरला क्रिकेटमध्ये जागाच नाही आहे। धावसंख्या धावफलकावरती 27 आणि धाव दोन महत्त्वाचे खेळाडू आता यावेळेला बाद झालेत। नितेश पुन्हा तयार, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, कल्पेश पाटील शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, यावेळेला बॅटची वरची कडा होती, किपरकडनं मिस्टेक झाली आहे। पुन्हा ओव्हर थ्रो, हे पहा
ओवरथ्रो स्वरूपामध्ये हे दुसऱ्यांदा आपल्याला बघायला मिळालं. दोन दोन रन्स खर्च केल्या साईश कारबावनं. एकेका धावेला फार महत्त्व आहे क्रिकेटच्या खेळामध्ये. दोन धावांनी स्कोर पुढे सरकत असताना 29 वर एक वेगानं बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. पाहूया आपण रिप्लेमध्ये. नितेशकडे व्हेरिएशन फार सुंदर आहे. व्हेरियंट नेहमीच त्याच्या चेंडूंमध्ये बघायला मिळालंय. हे पाहतोय आपण. खांद्याचा जोर लावला होता. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल. ओ यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा दिशा दिली आहे. पुल पाहायला मिळाला सहज गत्या. हा पंपनं बॅकवर्ड स्कोअरला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला होता. मिळेल फक्त सिंगल. शॉट तो बहुत अच्छा था. ऑफिस हिप्स फ्लिक किया था बहुत खूबसूरती के साथ. धावसंख्या एका धावेने पुढे सरकत असताना 30 वर. मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. सिंगल डबल्स इथनं येत राहिला मी म्हणेल तेवढा जास्त फरक पडणार नाहीये खारबाव संघाला. पुढे एकदा अलॉंग द कार्पेट बॅकलिफ्टला वर करू दिलं नाहीये नितेशनं. चांगले समजदारी बघायला मिळाली आहे. समंजसपणा गोलंदाजीमध्ये बघायला मिळाला आहे. महत्वाचं म्हणजे बॅटरची बॉडी लँग्वेज ओळखून गोलंदाजी करतोय. कल्पेश आणि त्रिमूर्ती ही जोडी आपण सध्या मैदानामध्ये पाहतोय. मात्र नितेशनं थांबवलं होतं. मात्र अखेर किती वेळ थांबवणार. एक मोठा फटका जरूर हवा होता आणि तो फटका कल्पेश पाटीलच्या बॅट मधून आला. सिक्सर. बहुत कम देखने को मिलता है कि हाय बैकलिफ्ट से इस तरह का शॉट खेला जाए. गेंद के आने का केवल इंतजार किया. बल्ले का स्विंग बहुत अच्छा. एंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन. अत्यंत महत्वाचा हा स्ट्रोक. खरं तर गरजेचा स्ट्रोक होता. मस्ट नीडेड बाउंड्री अपेक्षित होतीच कल्पेशकडनं आणि ती आली. वन्स अगेन अनदर माइटी हिट. बॅक टू इन अ रो. बिग हिट सिक्सर. जबरदस्त फलंदाजी आता यावेळेला कल्पेश पाटीलची. लगातार दोन षटकार. क्या अग्रेशन है बल्लेबाजी में. बॅक टू बॅक दुसरा चक्का. ये शॉट बहुत खूबसूरत है. वेट एंड वॉच. इंतजार किया और वार किया. खींच के मारा. ये देखिए मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन. दिस इज द ग्रेट बैटिंग. 4 ओवर की समाप्ति पे 43. खतरे की घंटी बचती हुई साईज खारबाव के लिए. चांगल्या टोटल कडे वाटचाल. सुरुवातीचे 4 बॉल चांगल्या लेंथ आणि लाईन वर आपल्याला बघायला मिळाले. मात्र त्यानंतर नितेश पाटीलच्या अगेन्स्ट आक्रमणाला सुरुवात केली. कल्पेशनं 2 सिक्सर खेचले. आखरी ओव्हर का खेळ सुरू हो चुका आहे. सोना देवी टेमगढ़ के कॅप्टन और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कॅप्टन आप दोनों को हमारे 2 स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. वीरेन चोरगे और विराट चोरगे टॉस बॉक्स से. लास्ट ऑफिशियल कॉल है. सूरज पाटील अंतिम षटकामध्ये बॉलिंग मार्कवर. या अगोदरच्या मॅचमध्ये सामनावीराचा पुरस्कार मिळवला. विशेष म्हणजे बॅटिंगमध्ये त्यानं चांगली कामगिरी केली होती आणि शेवटला 19 धावा वाचवल्या होत्या टेमगरच्या विरोधात. त्रिमूर्तीला आता हात खोलावे लागतील. कारण इथून आता धावसंख्येचा आपण विचार केला तर हळूहळू का होईना फायटिंग टोटलकडे धावफलक जाऊन पोहोचले. 43 वर म्हणजे 10 पेक्षा जास्त धावा आता प्रत्येक ओव्हरमागे जोडण्याचा प्रयत्न केला. लास्ट ओव्हर. सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. त्रिमूर्तीसाठी हा बॉल यावेळेला फटका. फर्स्ट बॉल हवेमध्ये आहे. झेल त्या ठिकाणी पकडली आहे. बॅलेन्स सांभाळला नव्हता. मात्र रिले कॅच बघायला मिळाली. व्हॉट एफर्ट फलंदाज बाद. क्या एफर्ट है रिले कॅच का. कोण खिलाडी ते मिड विकेट रेंज रोअर कॉर्नर के सामने वेदांत. और उन्होंने करण जब देखा कि वो गिरेंगे बाउंड्री पे रिप्ले में देखिए. इसे कहते हैं हाजिर दिमागी. क्या कैच है. देखे गिरने से पहले उन्होंने गेंद फेंक दी करण के पास. बिल्कुल इंटरनेशनल कैच की याद ताजा होती हुई. तालियां होना चाहिए इस कैच के लिए. विकेट मिळाली आहे जी फार महत्वाची होती. फटका चांगला होता. म्हणजे ओव्हरऑल एकंदरीत विचार केला तर उच्च दर्जाचा खेळ बघायला मिळाला. बॉल तेवढा चांगला नव्हता. स्ट्रोक चांगला पाहायला मिळाला होता. मात्र अखेर झेल स्वरूपामध्ये त्रिमूर्ती गायकर इथे बाद झाला आणि 3रा झटका इथे लागला शेलके ब्रदर्स पोगावला. न्यू बॅटर
सुदर्शन जो या अगोदरच्या सामन्यामधील सामना वीर राहिला होता अष्टपैलू खेळाच्या बलावरती. मी म्हणेल एकटा नडला होता जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाच्या विरोधात, मात्र आता या वेळेला त्याचा क्रमांक बदललाय. 5व्या क्रमांकावर तो बॅटिंग करण्यासाठी आलाय. वेळ अजूनही आहे, मी म्हणेल 5 चेंडू अजूनही या डावामध्ये शिल्लक आहेत. आणखी 2 मोठे फटके जर इथून आले तर एक चांगली स्थिती पोगाव संघाची आपण म्हणू शकतो. सूरज ओवर द विकेट, या वेळेला चांगल्या लेंथवर बॉल, फुल्लर लेंथ गोलंदाजी सूरजच्या माध्यमातून आपण अनेकदा बघतलो आणि विशेष म्हणजे शेवटच्या षटकामध्येच सूरज गोलंदाजी करत असतो. देखिए डेथवर कभी भी आसान नहीं रहा है किसी भी गेंदबाज के लिए. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी डेथ ओवर में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो क्रिकेट इतिहास में लिखी गई है. इस बीच बढ़िया गेंद लेंथ आगे रखा था गेंद को, लगभग लेंथ गेंद थी और स्विंग करना चाहते थे. आणि बाउंस जो अपेक्षित केला होता बॅटरनं तेवढा बाउंस तिथे मिळाला नाही, खाली राहणारा बॉल. एक स्पॉट है वहां पर जहां गेंदे पिच होकर लगभग स्किट हो रही है. फिर अच्छी गेंद, आज सूरज पाटिल आसमान के सूरज की तरह चमक रहे हैं खारबाव टीम के लिए एकता सुपर लीग में. नाही प्रमुख खेळाडू जेव्हा जेव्हा तुम्हाला चांगला खेळ करत असतात तुमच्या संघासाठी तेव्हा अनेक यंगस्टर क्रिकेटर त्यांच्यापासून मोटिवेट होत असतात. सेमी फाइनल मुकाबला 1987 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, इमरान खान का स्पेल खत्म, वसीम का खत्म, गेंदी सलीम जाफर के पास, 22 लिए स्टीवा ने, उतने रन से हारी पाकिस्तान. इस मरतबा गेंद को लॉब कर दिया है, बहुत बढ़िया कोशिश, बहुत बढ़िया कोशिश पढ़ने की. हालांकि 2-2 रन दिए जरूर है लेकिन यहाँ पर रनआउट हो जाएंगे कल्पेश पाटिल. कॅचचा प्रयत्न होता पाहूया आपण रिप्ले मध्ये, फटका चांगला होता, एका हाताने त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, थोडंसं कठीणच होतं अशा प्रकारच्या कॅचेस पकडणं. मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तिथे फलंदाज बाद झाला, तिसरी धाव घेत असताना कल्पेश एक चांगला डाव त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. बाद होण्यापूर्वी 2 सिक्सर त्यानं लगावले, 16 धावांचं योगदान शेलके ब्रदर्स पोगाव संघासाठी त्यानं दिलं, 17 धावांचं योगदान दिलं आणि नवीन बॅटर मैदानामध्ये एंटर होत असताना मनोज. डेथ ओवर की अभी कितनी गेंदे बची है, एक गेंद बची है. मनोज बड़ा शॉट लगाते हैं तो पूरे 50. शोधावास लागेल तो एक मोटा फटका. या अगोदर सूरज ने तो शेवटच्या बॉलवर एक सिक्सर मारला होता आणि तो सिक्सर कमी राहिला टेमगर संघासाठी. 46 रन हो चुके, एक गेंद बची है. साईं चाहेंगे कि अंडर 50 रहे और शिल्के बर्दस चाहेंगे कि अबव 50 जाए. और खींच के मारा है, ये जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन. ये सिक्सर कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए. कुल मिला के रन बने 52-53 की चुनौती. अगले कड़े मुकाबले का टॉस करने के लिए समीर ठाकरे 2-स्टार टॉस बॉक्स विराट चोरगे में और टीमें खेल रही है सोना देवी टेमगर और उनके साथ जॉली स्पोर्ट कामतगर और उनके साथ में सोना देवी टेमगर. इस टॉस के लिए टकू जैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको 2-स्टार टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे सर. आणखी एक मोठा सामना आता तुमच्या भेटीस येणार आहे. आमचे मुख्य गेस्ट आपल्यासोबत जोडले जातात, त्यांच्या शुभाशय आपण टॉस करणार आहोत. सोना देवी टेमगर आणि जॉली स्पोर्ट कामतघर या 2 संघादरम्यान फेल्स इज अ कॉल, टेल आलेला आहे. टॉस या ठिकाणी जिंकले टीम सोना देवी टेमगरनं. मान्यवरांना विनंती आहे आपण पुन्हा एकदा विराजमान व्हावं. तेजस पहिला सामना गमावलाय, इथे आता ही लढत या स्पर्धेमध्ये प्रवास सुरू ठेवायचा असेल तर तुम्हाला जिंकावीच लागेल, काय निर्णय घेशील? आम्ही फिल्डिंग करू आणि सर्वात इम्पॉर्टंट मॅच असेल आमच्यासाठी, जिंकण्याचा प्रयत्न करू. मागच्या सामन्यामध्ये ॲज अ कॅप्टन तुला काय वाटतं की कुठे चुका झाल्या संघामध्ये? हां, थोड्याशा थर्ड ओव्हरला रन नाही आल्या तर ती चूक आम्ही सुधारण्याचा प्रयत्न करू. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघासमोर खेळत असताना काय माइंडसेट, किती धावांपर्यंत थांबवायचा प्रयत्न आहे? माइंडसेट वगैरे असं काही नाही, आम्ही कमीत कमी धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. चालू सीझनमध्ये एखादा सामना आठवतोय कामतगरच्या विरोधात टेमगरचा? नाही, खूप टाईम झाला खेळून.
त्याच्यामुळे एक नवा एक्सपिरियन्स नक्की असणार आहे. संघामध्ये काही बदल असतील की तोच संघ आहे? हो नक्कीच, किसन मात्र येईन असणार. थँक्यू सो मच, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुला असतील विजयासाठी. नाणेफेकी गमावले, तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. मनासारखं झालंय की मनाच्या विरोधात झालंय? जवळजवळ मनासारखं झालंय, कारण की नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा मानस होता सर्व खेळाडूंचा, त्याप्रमाणे प्रथम फलंदाजी आम्हाला आलेली आहे. आणि चॅलेंज ग्राउंडवर विशेषतः जॉली स्पोर्ट कामतगार संघाचा खेळ अनेक स्पर्धांमध्ये चांगला राहिलेला आहे, त्यामुळे आता ह्या स्पर्धेमध्ये कसं लक्ष असेल? नाही, मागच्या सामन्यामध्ये थोड्याफार आमच्या क्षेत्ररक्षणामध्ये चुका झालेल्या होत्या, त्या सुधारण्याचा नक्कीच प्रयत्न असेल. सेम टीम असेल की काही बदल बघायला मिळतील? नाही, सेम टीम असेल. आणि काय सांगशील पहिल्यांदा हे जे कॉन्सेप्ट, ही संकल्पना आणली ग्रामीण क्रिकेटर्ससाठी? ऑल इंडिया ओपनमध्ये आपण अनेकदा लीग मॅचेस पाहत आलो आहे, मात्र यावेळेला आता ग्रामीण क्रिकेटर्सना एक वेगळा व्यासपीठ प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे, एकता संपूर्ण टीमनं आणि विशेष म्हणजे चेअरमॅन ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील साहेबांनी, त्यांच्याविषयी काय म्हणशील? नक्कीच, आयोजन खूपच चांगलं केलेलं आहे आणि अशा स्पर्धा मला वाटतो की संपूर्ण भिवंडीमध्ये अशा स्पर्धांचं आयोजन केलं पाहिजे, जेणेकरून नवीन तरुणांना किंवा नवीन गावातल्या खेळाडूंना खेळण्याचा प्रोत्साहन मिळेल. थँक्यू सो मच, खूप चांगलं मनोगत दोन्ही कॅप्टननं व्यक्त केलं. तर टॉस बॉक्समधून न्यूज आलेली आहे, टॉस जिंकले टीम सोनादेवी टेमघरनानी पहिल्यांदा बॉलिंग चूज केलेली आहे. पुन्हा एकदा आपण जाऊया पुढील रन चेजला सुरुवात करणार आहोत आणि जसे प्रत्यक्षात दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल ऐकूया अजय गरज सरांचा सुमधुर आवाज. थँक्यू सो मच. धन्यवाद समीर ठाकरे, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जबरदस्त स्वागत है एकता सुपर लीग 2023 में. ये हमारे स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स आर के बिल्डर्स, योगी जी मात्रे, सुधीर जी मात्रे और रणधीर जी मात्रे, एवन जोड़ी, महाराष्ट्र की एवन जोड़ी, नीलेश पाटिल साहब और सुकेश डाकी साहब, धनंजय गवली साहब को हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे. साथ में मिस्टर साई शिलार, कॉरपोरेटर KDMC, विकी शिलार, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं. सम्माननीय श्याम घरत साहब, पिंपलास के प्रसिद्ध उद्योगपति, अच्छा सहयोग उनका मिला है. मिस्टर बाया मामा अर्थात माननीय श्री सुरेश मात्रे साहब, चोरगे फैमिली, धनंजय चोरगे साहब, वीरेंद्र चोरगे साहब और विराज चोरगे साहब, जुनेद पटेल साहब और मक्की पटेल साहब, अजा फैशन की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम, साजिद रईस साहब और नजीब रईस साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं. भरत देवलीकर, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के प्रोप्राइटर, और ये तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स है, सपोर्टर्स है, इनकी बदौलत ये इतना बेहतरीन शो आप तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लेकर आई है. नवनाथ उर्फ जानी सुंगाल साहब एक सरपंच वर्ड पे, जावेद खान साहब, इरफान हदीस अंसारी साहब, क्रिकेट से काफ़ी लगाव है उनको भी. खेल की तरफ प्लॉट चलते हैं. आज दूसरा दिन है और ये तीसरा मैच दो ऐसी टीमों के बीच में जिन्होंने एक एक मैच जीता है, लेकिन ये मैच जो है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए. साइश खारबाव और पुगाव के बीच में ये मुकाबला है, शिल्के ब्रदर्स पुगाव, जहाँ पर खारबाव टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और साइश खारबाव के सामने चुनौती अच्छी रखी गई है. शिल्के ब्रदर्स पुगाव के बल्लेबाजों द्वारा 52 रनों तक उनकी टीम पहुँची, 53 रनों का लक्ष्य है 5 ओवर्स में मैच जीतने के लिए, क्वार्टर फाइनल में पहुँचने के लिए. जीतने वाली टीम तो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन हारने वाली टीम के लिए भी मौका रहेगा, इसके बाद एक और मैच खेलने का मौका रहेगा. और ये खूबसूरती है, ये खासियत है एकता सुपर लीग की. सलामी बैटर्स क्रीज पर करण पाटिल और उनके साथ कैप्टन प्रणय पाटिल, पहला ओवर लेकर हमेशा की तरह ज्ञानेश्वर शील्ड की पहली गेंद. करण के लिए ये गेंद कोहनी को थोड़ा सीधा करते हुए केवल पुश किया है ऑफसाइड में, फील्डर की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, बाउंड्री से काफ़ी तेज़ गति से गेंद पर आए थे, ज़्यादा तेज स्ट्रोक नहीं था, और ऐसे में यदि फील्डर थोड़े भी सुस्त रहते हैं तो 2 रन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मौका नहीं दिया दूसरे रन का, अच्छी सोच की फील्डिंग. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं आणि क्षेत्ररक्षण चांगलं करावंच लागेल, 53 धावसंख्येचं लक्ष आता इथे पार करायचं आहे. शेवटच्या बॉलवर जो सिक्सर आलाय कदाचित, जी हाँ, वो महंगा तो साबित हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा सा वेट करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला ऑफ साइड में, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में इस दफ़ा. अब की बार फील्डर से दूर खेला था, 2 रन प्राप्त किए, 2 रनों से खाता खुलता हुआ कैप्टन प्रणय पाटिल का.
वो आखिरी गेंद का जो सिक्सर है हमने कई बार देखा है, क्योंकि देखिए उससे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होता है, वो ऐसा नहीं कि उस सिक्सर की वजह से ही आप मैच जीत जाते हो, जब मैच जीत जाते हो तो अन्य जो रन्स बने वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ बेहतरीन स्ट्रोक स्लॉग स्विप, 6 रन मिलेंगे यहाँ पर प्रणय पाटिल को, कमाल का स्ट्रोक, हा सिग्नेचर स्ट्रोक आहे, हा स्ट्रोक तर खाली खरी प्रणय पाटीलची ओळख आहे। आणि पाहू शकता स्लॉग स्वीप बॉलच्या लाईन मध्ये येत असताना स्क्वेअर लेगच्या बाहेर तो चेंडू पाठवला, सिक्सर आला। प्रणय पाटिल सीजन की शुरुआत में थोड़े आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, खासतौर पर चैलेंज ट्रॉफी के पहले कुछ मुकाबले रन ही नहीं निकल रहे थे उनके बैट से, बहुत जल्दी आउट हो रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मैच में वो अपने सही रंग में आए, अच्छी बल्लेबाजी की दो बड़े मुकाबलों में। और यहाँ पर पहले मैच में हालांकि ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन इस मैच में अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा है और टीम का स्कोर अब 9 रन बिना किसी नुकसान के। प्रणय पाटिल का इतिहास उठा के देखिए अजय गरज, ये बड़े मैच के खिलाड़ी, जी हाँ अक्सर चर्चा होती है इनके के बड़े मैच के खिलाड़ी है, जब टीम को रनों की आवश्यकता होती है तो डिलीवर करते हैं। नैनेश्वर शेलकी हालांकि अच्छे फॉर्म में है गेंद से, बढ़िया वापसी इस बार, थोड़ी अपील थोड़ी आ निकली थी फील्डर्स के मुंह से, लेकिन बल्ले से लगी थी गेंद, एज लगा था और फिर पैर पर लगी थी। तीखा जवाब दिया है वहाँ पर, तीखा जवाब दिया है नैनेश्वर शेलके ने। देखिए प्रणय पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है, मैच बड़ा हो तो इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस भी बड़ा होता है, इसीलिए इसे वंडर बॉय ऑफ खारबाओ कहा जाता है। शुभा धुमाल ने नाम दिया उन्हें। इस बार लेंथ में थोड़ा सा बदलाव था, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था आपकी बार गेंदबाज ने, बल्ले के अंदर लगी, सिंगल मिला है इस दफा। रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंचती हुई साइश खारबाव की, 10 रन बिना किसी नुकसान के, 53 का टारगेट है और 50 प्लस टारगेट अभी तक तो चेज नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट में। कुल मिलाकर 9वां मैच, कल 6 मैचेस खेले गए थे, आज का ये 3रा मैच, और ये जाएगी बाहर, बहुत जल्दी पिक कर लिया था गेंद की लेंथ को, गेंद की गति को बहुत जल्दी भाप लिया था, खूबसूरत छक्का करण पाटिल के बैट से, गजब का पिकअप शॉट, क्या पिकअप शॉट खेला है और क्या रिप्लाई है यहाँ पर साइंस खारबाव का, ये देखिए कितने जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था और विद टाइट, गजब का ये स्लो मोशन आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज का। देखिए इतिहास में पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में कर लो दुनिया मुट्ठी में, 10 PL और मेयर कप का जो टेलीकास्ट था वो 22 कैमरों से किया गया था। 16 रन, 1 ओवर की समाप्ति, कोई विकेट नहीं, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 16 विदाउट लॉस। अजय ऐसा लग रहा है दोनों खिलाड़ी अब अलग ही इरादे के साथ आए हैं। देखिए मैच में अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत जान है, हालांकि शुरुआत दमदार की है बल्लेबाजों ने, और नैनेश्वर शेलके का महंगा साबित होना ये अच्छे संकेत कभी भी नहीं रहे पोगाव टीम के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि रेस का घोड़ा रेस के दिन नहीं दौड़ेगा तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। अविनाश शेलके आए हैं गेंदबाजी के लिए। मैं समझता हूँ ये जीत का सूत्र है, नैनेश्वर शेलके जब शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाते हैं, किफायती गेंदबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है कि 90% से भी अधिक मैचेस ये टीम जीत जाती है। शेलके ब्रदर्स ऑब्वियसली की ऑफ सक्सेस, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है सागर से, इस बीच 2 रन बनाए, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को अजीबोगरीब ढंग से खेला था मिड विकेट पर, जहां लपेट के मारा था इस गेंद को, और सिंगल होना चाहिए था वैसे तो, लेकिन ये मिसफील्ड और उसके चलते एक और अतिरिक्त रन वहां पर बैट्समैन को मिला है, बल्लेबाज के खाते में 2 रन जाएंगे, रन संख्या 18, विकेट की तलाश में इस समय शेलके ब्रदर्स पोगाव। ओ हो, क्या शॉट है, टिपिकल स्ट्रोक, रिवर्स स्ट्रोक, 4 रन। अब शेलके ब्रदर्स की जो गेंदबाज प्रमुख 2 गेंदबाज थे उन पे अल्लाह बोला है, और ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं कि इनसे दया और माया की अपेक्षा गेंदबाज रख भी नहीं सकते हैं, क्या कमाल की पोजीशन में आ गए थे ये देखिए, ऐसे लगता है कि बायत के बैट्समैन ने स्ट्रोक खेला है, इनफील्ड के ऊपर से बिहाइंड पॉइंट खेला और चौका बटोरा। एक बात तो है कि करण पाटिल कई सालों से मैं देख रहा हूँ, एक ऐसा बैट्समैन है जो स्वयं खेलता है
और सामने वालों को भी खिलाता है। सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी करते हैं, चौके की मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 22 पे, लक्ष्य है सामने 53 रनों का। थोड़ी देर में हमारे मैन ऑफ द मैच बैग स्पॉन्सर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के नवीन शर्मा और उनके दोस्तों का आगमन होने जा रहा है। गेंदबाज को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होना देना चाहते ये दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, आक्रामक सोच की बैटिंग। फिर से हवा में खेला है इस मरतबा सागर, नीचे बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन प्रणय पाटिल। लगातार चैलेंज ट्रॉफी से लेके अभी तक 4 मरतबा फुल टॉस पे आउट हुए। जी हाँ, उसमें कुछ फ्रेंडली फुल टॉस गेंदे भी रही है और कुछ लोअर फुल टॉस, ये लो फुल टॉस थी, एलिवेट करना चाहते थे गेंद के नीचे घुसते हुए, लेकिन थोड़ा सा टॉपेज हुआ बल्ले के बीचों बीच, वो लेते तो जरूर 6 रन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन मिडल ही नहीं कर पाए और शॉट खेलते ही समझ गए थे, निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। हालांकि अच्छा स्टार्ट देने के बाद आउट हुए हैं, 22 पर गिरा है पहला विकेट खारबाव टीम का। नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचते हुए पराग वतारी, 22 रन 1 विकेट। देखिए विकेट की तो बहुत आवश्यकता थी शिल्के बर्दस को, जो उन्होंने हासिल की, और विकेटें चटकानी होंगी, नले 50 प्लस अपने स्कोर खड़ा किया है। लेकिन खारबाव टीम की बैटिंग जब आप देखते हो तो इसमें काफी गहराई नजर आती है, 7वें-8वें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज है, इसीलिए आपको लगातार विकेटें तो लेते ही रहना होगा। सूरज पाटिल को खारबाव टीम हमेशा ऐसे छुपा के रखती है जैसे पत्तों के पीछे कैरी को छुपाया जाता है, और सही समय पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ओ बढ़िया गेंद नीची रही थी लेकिन ज्यादा कटी वाइट, लेंथ बहुत परफेक्ट थी, लाइन थोड़ी दूर थी। स्कोर 23 पर 1 और 30 रन चाहिए, तो यहाँ से बल्लेबाजों के लिए काम उतना मुश्किल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुश्किल बना सकते हैं गेंदबाज, उस तरह की बॉलिंग है पोगाव के पास। ओ फिर अच्छी गेंद हवा में चकमा खा गए, वहां पर टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद लेग बाय के रूप में डिपीश गली में, 24 पे पहुंचा स्कोर। इस ओवर में अब तक एक चौका आया है लेकिन उसके बाद थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी, कस के मारा कर रहे हैं, और यही तो करना होगा, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की आवश्यकता है शेल के ब्रदर्स को। अच्छा खेलना अलग ही चाहते थे, स्क्वायर लेग पर अंदर लगी, शॉट फाइन लेग पे पहुंची, बहुत फाइन 1 रन। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा रिप्ले में कि क्या जानबूझकर उन्होंने वो थर्ड मैन की तरफ अंतिम क्षणों में शॉट खेला है, ये देखिए ऐसे लगा मुझे कि जी हाँ, देखिए बैट का जिस तरह से फेस खोला हुआ, जानबूझकर खेला था, बहुत फाइन खेलने का प्रयास था, शॉट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से निकालना चाहते थे। ये अजय गलत, इस मरतबा हुक कर दिया है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन। गेंद के अंदर आके जब आप इस तरह शॉट खेलते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है, और आप अक्सर कहते हो कि हरकत में ही बरकत है, बहुत जल्दी हरकत में आ गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे, बहुत बढ़िया पोजीशन में आकर हुक किया गेंद को, ये देखिए, और गैप में भी खेला बेहतरीन स्ट्रोक, पराग वतारी के बैट से ये शानदार चौका, चौके के साथ स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरे ओवर का खेल समाप्त। अब कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है क्योंकि 18 गेंदों में जीतने के लिए केवल 24 रन चाहिए, यहाँ से शिल्के बर्दस को मैच में वापसी करना है तो गुच्छों में विकेट लेना होगा, विकेट्स चटकाने होंगे, किफायती बॉलिंग करनी होगी, ये अब दोहरी चुनौती है गेंदबाजों के सामने। दूसरे ओवर के बाद एक टीम हडल वहाँ पर जरूर नजर आई है, ये यूनिटी दिखने को मिलती है, और वैसे भी टैग लाइन है एकता सुपर लीग की, एकता में है आपकी सफलता, क्रिकेट खेलिए ऐसा है, इट्स टीम गेम, एक टीम मिलकर जब पूरा प्रयास करती है, पूरा जोर लगाती है,
तो फिर उस टीम को परास्त करना बहुत मुश्किल रहता है। और चैंपियन बनना है तो फिर टीम एफर्ट का होना जरूरी। एक खिलाड़ी एक आध मैच आपको जिता सकता है, लेकिन हर बार एक ही खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिताने वाला। एग्जैक्टली नेवर लेकर ज्ञानेश्वर एक बार फिर से भरोसा उनके ऊपर जताया गया है। आक्रमण जारी रखते हुए लो फुल टॉस, केवल फ्लिक किया और सीधे फील्डर को ढूंढा, डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच। ज्यादा कुछ नहीं किया था, केवल बल्ला फेंक दिया था गेंद पर। उनको लगा था कि शायद गैप में गेंद ट्रैवल हो, लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बढ़िया कैच, स्ट्रोक में ऊंचाई नहीं थी और सीधे फील्डर के पास। गैप में खेलने की आवश्यकता थी, एलिवेशन बना नहीं पाए थे, फील्डर को जो क्लियर करने के लिए चाहिए था, टाइमिंग अच्छी थी लेकिन फील्डर से दूर नहीं खेल पाए। दूसरा झटका लगा है खारबाव टीम को, हालांकि रन संख्या काफ़ी अच्छी है, 2 ओवर्स में 29 रन बनाए, धुआंधार शुरुआत रही है, लेकिन अब विकेट मिला है ज्ञानेश्वर को। और इनकी भी आदत है, विकेट जब मिलता है तो फिर बहुत चढ़कर गेंदबाजी करते हैं, गुच्छों में विकेट्स निकालने की आदत इनको ज़रूर है, और कुछ वही करके दिखाना होगा यदि खारबाव टीम को दबाव में लाना है तो। 17 गेंदों में यहाँ से 24 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए सईश खारबाव को। नए बल्लेबाज हरफन मौला खिलाड़ी खारबाव के अक्षय पाटिल क्रीज पर आए हैं। बायत से गेंदबाजी करते हैं लेकिन दाहिने हाथ से बैटिंग करते हैं अक्षय पाटिल। थोड़ा सा रूम बनाया, फुल टॉस गेंद मिली, मिस इट है, लेकिन फील्डर तक क्यारी नहीं हुई डीप कवर में। भाग्यशाली रहे यहाँ पर बल्लेबाज, एक रन मिला। देखिए कभी कभी बल्लेबाज जब शॉट खेलता है तो उसके हाथों की जो गिरफ्त है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, बल्ला घूम जाता है। जी हाँ, वही एक वजह रही, नहीं तो गेंद में कुछ खास बात तो नहीं थी, क्योंकि गेंद तो कमजोर ही थी, फुल टॉस थी, तो यहाँ पर गेंदबाज भी थोड़े भाग्यशाली रहे हैं ये भी कहना होगा। सिंगल से खाता खुला है अक्षय पाटिल का, 4 पर बैटिंग करते हुए पराग वतारी, टीम का स्कोर 30-2। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, ओ स्विच हिट की तैयारी थी, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर किया है, विकेट कीपर से गलती और रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। 22 का इशारा, बहुत चलाकी से गेंद की लाइन को वैरी किया था क्योंकि बल्लेबाज बहुत जल्दी वो स्विच हिट की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए गेंद डिलीवर होने से पहले उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी, लेकिन विकेट कीपर सफाई से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। एक एक रन बेशकीमती है, गलतियों की गुंजाइश नहीं है। इस बार आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर जज कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं, उनके सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर। 6 रन, मस्तक पे दस्तक दी है वहां पर। देखिए हम HR स्पोर्ट्स गजा पाटिल, गजा नहीं तो मजा नहीं, उनका भी विशेष धन्यवाद करते हैं। देखिए स्पोर्ट्स की दुनिया का ऐसा नाम है जहां आपको हर चीज़ मिलेंगी, अगर स्पोर्ट्स में मज़ा लाना है तो गजा के पास जरूर जाइए। क्या शॉट खेला है, बिल्कुल आंखों के नीचे, मस्तक पे दस्तक, और जब मस्तक पे दस्तक होती है पानी ऊपर से जाए या गेंद ये डुबा देती। आज सामने भी काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से 16 रन दूर जीत से खारबाव, ओ अब इस स्ट्रोक की कितनी आवश्यकता थी, सीधे बल्ले से आप इतना अच्छा खेल रहे हो तो फिर स्विच हिट की कहते हैं कि ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट एक थोड़ा टेम्पटेशन रहता है यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। हमेशा हम देखते हैं कि इस वक्त भी बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के जो खिलाड़ी वो सर्कल के अंदर है, डीप पॉइंट पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इस बार जगह बनाकर ऑन द राइज खेला है, अद्भुत शॉट, ओहो कमाल का स्ट्रोक अक्षय पाटिल के बैट से 6 रन, करिश्माती स्ट्रोक, इसे हम कह सकते हैं जादुई शॉट। आइए देखते हैं अक्षय पाटिल, ये भी खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है, अपने आप को रूम दिया, सीधा स्ट्रोक, तीर कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेजा 6 रन। आई थिंक ये मुश्किल है कहना कि शॉट किसके अच्छे लग रहे हैं, क्या सूरज पाटिल का शॉट क्या अक्षय पाटिल का ये शॉट, बहरहाल दोनों सुपर से ऊपर लीग में सुपर से ऊपर स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं।
एक और महंगा ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या 43, 43 रन, अब केवल 10 रन चाहिए। जितनी बार देखोगे उतनी बार और देखने का मन करेगा इस स्ट्रोक को। हाफ वाली नहीं थी, लेंथ बॉल थी, जगह बनाई थी और थोड़ा सा गेंदबाज ने भी उनको फॉलो करने का प्रयास किया था, लेकिन सिर को काफ़ी स्थिर रखा और सीधे बल्ले का प्रयोग किया है। गजब की टाइमिंग, अपने लॉन्ग लीवर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने बल्लेबाजी में अक्षय पाटिल, लेकिन बड़ा ही क्लासिक अंदाज उनका रहा है। दोनों भी छक्के बिल्कुल सामने लगाए उन्होंने, बहुत लंबी बाउंड्री को आसानी से क्लियर करते हुए। दो ओवर में 10 रन चाहिए, समीकरण काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। सुदर्शन आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, अब की बार पराग वतारी की मार, एक और छक्का। देखिए खरबूजे को देख के तरबूजा लगातार रंग बदल रहा है, ये साइंस का ओरिजिनल क्रिकेट है। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, साइंस खरबाओं का ये ओरिजिनल क्रिकेट है जो हम आप देख रहे हैं। ऐसे ही चैंपियन नहीं थी, अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश, फ्लाई स्लिप में गेंद, एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर अब जीत की कगार पे। 50 रन पूरे हुए इस सिंगल के चलते, मात्र 3.2 ओवर्स में 50 रन स्कोरबोर्ड पर। औपचारिकता शेष है, इस बार अक्रॉस द लाइन स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए। हालांकि व्हाइट गेंद का इशारा, तो पुगाव टीम का जो खेल है कहीं ना कहीं उनके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं रहा है इस मैच में, खासतौर पर गेंदबाजी। एक और लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगनभेदी सिक्सर, और इसके साथ ही ये मैच समाप्त कर दिया है अक्षय पाटिल ने, मुकाबला जीत लिया है साइश खारबाव ने और टीम सीधे पहुंच गई अब क्वार्टर फाइनल में। थोड़ी देर में हमारे बीच हमारे मैन ऑफ द मैच बैक स्पॉन्सर नवीन शर्मा साहब अपने दोस्तों के साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप इसे उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक दुनिया का वो नाम, आपको फास्ट ट्रैक से जाना है ट्रांसपोर्टिंग या कोई, तो ज़रूर नवीन शर्मा के पास जाइए और अपनी किस्मत को आजमाइए और अपने मुस्तकबिल को बनाइए। अक्षय पाटिल के तीनों सिक्सर लाजवाब। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस साई स्पोर्ट्स खारबाव एंड हार्ड लक शेर के ब्रदर्स पोगाव, लेकिन पोगाव टीम के पास मौका है, इसके बाद एक और मैच उनका बचा हुआ है और यदि उस मैच में जीत दर्ज करते हैं तो क्वार्टर फाइनल में